लक्स एक आइकॉनिक ब्रांड है और हर दफ़ा की तरह इसमें फिल्मी सितारों को इस्तेमाल किया जाता है, पर इस बार जो चीज़ मुख्तलिफ है पिछले लक्स की कैंपेन से वो ये कि हमेशा हम लक्स को देखते हैं और लक्स के स्टार्स को देखते हैं फैंस की नज़र से। इस दफ़ा हम जानेंगे कि ये स्टार्स किसके फ़ैन हैं। जहाँ तक आई थिंक लक्स के लुक्स का और ड्रेसेस का और हाउ टू मेक द गर्ल्स स्पेशल की सवाल उठता है, दैट्स ऑलवेज अ स्ट्रगल फॉर अस बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थॉट दैट गोज बिहाइंड। देयर इज अ टीम दैट वर्क्स रिलेंटलेसली फॉर मंथ्स टू गेट द लुक फॉर थ्री गर्ल्स। क्योंकि इनकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है और अपनी एक इनकी इमेज होती है जो ये कैरी करती हैं, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी डू एट लक्स इज़ टू एलिवेट उनकी परसीव इमेजरी एंड मेक इट मोर लक्स लाइक। A Lux girl embodies confidence. It's like a fairy tale princess, you can say, or modern day confident woman, which a lot of girls look up to. I think her time Lux jo hota tha wo ek khushboo leke aata tha. So is time wo celebrities ke experiences leke aa raha hai. I think ye sab different hai dusre Lux se aur ab jo hum shoot kar rahe hain. This was my first time working with Maya and Adnan. It was very great. Super team. We had a laugh. It was very fun. And I hope we can work together again. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, एंड फॉर दैट हमने जो स्टेज और सब कुछ वो भी उसी हिसाब से रखा था कि एक बिहाइंड यू नो बिफोर गोइंग ऑन सच अ बिग प्लेटफॉर्म के LSA की अवार्ड के लिए जा रही हैं या किसी इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर चलने से पहले उनकी किस तरह की फीलिंग्स होती हैं, तो सेट को भी उसी तरह की एक इमोट करना था। दिस ऑल ऑफ दिस डिपिक्स दैट विद द मिरर्स एंड द लाइट्स एंड द प्लश काइंड ऑफ एनवायरनमेंट्स, दे आर डार्कर देन द एक्चुअल स्टेज बट इट्स स्टिल वेरी कंफर्टेबल फॉर देम। ये बहुत बहुत मज़े का एक्सपीरियंस इसलिए भी है क्योंकि रीमा का माहिरा और माया के साथ होना, दिस इज़ लाइक यू नो ब्रिंगिंग डिफरेंट जॉनर्स, डिफरेंट जनरेशंस, डिफरेंट आई वुड से आइकॉन्स टुगेदर, और यू नो नस्लें चलती जाएंगी लेकिन हम सबको और हमारी आने वाली नस्लों को ये पता होना चाहिए कि हम आपस में किस मोहब्बत से जुड़े हुए हैं, और उन तीनों को इकट्ठा लेके आना ऑब्वियसली इज़ अ वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि मैम किसकी सबसे बड़ी फैन हूँ?